स्कूल के दिनों में 9वीं कक्षा में हमने एक कहानी पढ़ी थी, नाम था नींव की ईंट। राम वृक्ष वेनीपुरी ने ये कहानी लिखी थी और इसमें नींव की जो ईंट है उसके महत्व को समझाया गया था, दिखाया गया था। अब नींव की ईंट जो है यूपी चुनाव में एक बड़ा सियासी मुद्दा बनती जा रही है और साथ में जोड़ दिया गया है दलित समाज को, अनुसूचित समाज को इस नींव की ईंट के साथ जोड़ दिया है। जी हाँ, दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक ट्वीट किया, एक क्या इसके करीब करीब 14 ट्वीट उन्होंने किए हैं। एक तरीके से वो बौखला से गए हैं और उन्होंने बहुत सारे ट्वीट जो है अनुसूचित जाति और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और SC ST OBC समाज से जुड़े हुए मसलों पर किए हैं। और उन्होंने कहा है अपने ट्वीट में कि जो दलित समाज होते हैं वो किसी भी इमारत में नींव कीट की तरह होते हैं। उन्होंने क्या कहा है वो देखिए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आप सभी याद रखना, अनुसूचित जाति समाज का नींव है। नींव दिखती नहीं किंतु भवन उसी पर खड़ा होता है, भवन की मजबूती उसी पर निर्भर करती है। तो ये जो ट्वीट है ये यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज किया है और उसके बाद उन्होंने कई सारे ट्वीट किए हैं, कुल 14 ट्वीट किए हैं और उसमें कई ट्वीट जो हैं वो SC ST OBC समाज और बाबा साहब से जुड़े हुए हैं। हुआ क्या है कि यूपी में तो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, साथ साथ पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वहाँ पर कांग्रेस ने अपने जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको बदल दिया और उसकी जगह पर जो चरणजीत सिंह चिन्नी हैं उनको वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया है। वो दलित समाज से आते हैं और 70 साल में पहली बार पंजाब में कोई दलित मुख्यमंत्री बना है। तो उसके बाद एक तरीके से सियासी जो भारत की जो अलग अलग राज्यों में सियासत है उस पर उसका असर हुआ है और वही देखने को मिल रहा है हमें योगी आदित्यनाथ के इस ट्वीट में। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, ये जो उन्होंने बात की है इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि आप जो दलित समाज है उसमें आप उत्थान की बात करें या फिर उसको उसी के जो जातिगत पेशे हैं और उसको उसी की हैसियत में समेट देने की बात करें, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ जाता है। क्योंकि जो एक वर्ण व्यवस्था, चतुर्वर्ण की जो व्यवस्था है, जो मानसिकता है, वो उसमें ये कहती है कि समाज के जो चारों वर्ण हैं उसमें जो जहाँ पर है उसको वही काम करना चाहिए, उसको वही धर्म का पालन करना चाहिए जो उसको काम दिया गया है और उससे बाहर बढ़कर उसे कोई काम नहीं करना चाहिए। ये चतुर्वर्ण की मानसिकता है। और इसमें जब बात उन्होंने लिखी कि दलित समाज जो है वो नींव है इस पूरे समाज की, तो फिर सवाल उठता है कि अच्छा, अगर दलित नींव है तो फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और टॉप फ्लोर कौन होगा? मतलब वो कौन होंगे, समाज के कौन से हिस्से होंगे? क्या वो ब्राह्मण होंगे, बनिया होंगे, ठाकुर होंगे, कौन होंगे जो उस नींव पर इमारत जो बनेगी उसके टॉप फ्लोर पे, उसके अलग अलग फ्लोर्स पे रहेंगे, यानी कि मौज करेंगे और समाज की सारी पीड़ा जो है वो नींव की ईंट की तरह दलितों पर ही पड़ी रहेगी, वो उसको झेलते रहेंगे और ऊपर के जो फ्लोर्स के लोग हैं वो ताज़ी हवा खाएंगे और मलाई खाएंगे और मज़े लूटेंगे, लेकिन दलितों का हालत जो है वो उसमें कोई सुधार नहीं होगा। तो ये जो मानसिकता है, यहाँ पर आपको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को याद करने की ज़रूरत है। इस मानसिकता पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जाति का विनाश, ये उनकी किताब है। बाबा साहब जो हैं वो जाति के खात्मे की बात करते हैं, वो कहते हैं कि सभी जातियाँ खत्म हो जाए और सभी मानव समाज के लोग जो हैं वो मिलजुल कर रहे, कोई जाति ना हो। लेकिन जो RSS संघीय विचारधारा है, जो मनुवादी गांधीवादी विचारधारा है, वो ये कहती है कि जातियों को खत्म मत कीजिए, चतुर्वर्ण का पालन कीजिए, आप एक दूसरे से भेदभाव ना करें, एक दूसरे के साथ ज्यादती ना करें, लेकिन जातियां बनी रहें क्योंकि समाज में वो जरूरी है उसको पालन करने के लिए। जो RSS है, जो गांधीवादी विचारधारा है, मनुवादी विचारधारा है, वो दरअसल जातियों में समरसता की बात करती है। वो कहती है कि जातियां मिलजुल कर रहें और जिसका जो काम है वो वही काम करते रहें, बाकी लोग जो हैं वो अपनी जाति से बाहर जाकर कोई काम ना करें। ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो आइडिया है, ये मनुवादी आइडिया है, ये आपको गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स में भी दिखाई देता है और ये आपको गांधी के भी जो पूना पैक्ट में उन्होंने जो आमरण अनशन शुरू किया था उसमें भी ये बात आपको दिखाई देती है। और आज ही का वो दिन था 20 सितंबर 1932, जिसमें गांधी ने जो दलितों को जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार मिला था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में बार बार हमारे अछूत लोगों की नुमाइंदगी करके जो अंग्रेजों से एक अधिकार लेकर आए थे कि हमें दो बार वोट देने का अधिकार मिलेगा, एक बार हम वोट देंगे अपने क्षेत्र में अपनी ही जाति के व्यक्ति, यानी जो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति होगा, शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति होगा उसको चुनेंगे, और एक वोट हम सामान्य जो सीट होगी उस पर देंगे, यानी कि हमारा आदमी, हमारा वोट और हमारा काम होगा,
चमचे नहीं बनेंगे, ये अधिकार हमको मिला था अंग्रेज़ों के ज़माने में, बाबा साहब ने दिलाया था। लेकिन गांधी जो हैं वो उनसे देखा नहीं गया कि दलितों की भलाई हो, अछूतों की भलाई हो, और वो जो हैं यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। और फिर कितनी परेशानियों से बाबा साहब गुजरे, कितना उन पर दबाव डाला गया, उनको धमकी दी गई कि अगर आप नहीं माने और गांधी को कुछ हो गया तो दलितों के घरों को आग लगा दी जाएगी, दंगे हो जाएंगे और मार डाला जाएगा आपके सभी लोगों को। बाबा साहब ने मजबूरी में जो है 24 सितंबर को इस पूना पैक्ट पर साइन किए थे। तो ये मानसिकता आपको समझने की ज़रूरत है, जो गांधी में भी थी, जो योगी में भी है, जो मोदी में भी है। ये लोग क्या कहते हैं कि जातीय समरसता रहे, हम जबकि जाति के उन्मूलन की बात करते हैं, जाति के खात्मे की बात करते हैं, ये लोग कहते हैं जातियाँ बनी रहे, सब सब अपने धर्म को फॉलो करते रहें। और अब इसमें आप देखिए कि जो मानसिकता है वो नरेंद्र मोदी की किताब, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने किताब लिखी थी कर्म योग, हालांकि बाद में उन्होंने उसको जो है उसके वितरण को ज़्यादा नहीं बढ़ाया। उस कर्म योग किताब में नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि जो चतुर्वर्ण सिस्टम है और उसमें जो जातीय प्रावधान है, उसमें जो दलित जातियाँ हैं, जो भंगी जातियाँ हैं, जब वो अपने हाथ से किसी का मल उठाती हैं यानी किसी की टट्टी साफ करती हैं, तो उसमें उन्हें आत्मीय सुख अनुभव होता है, उन्हें किसी तीर्थ पर जाने जैसा अनुभव होता है। जब जैसे कोई तीर्थ स्थान पर जाता है, मंदिर में जाता है, किसी बड़े तीर्थ क्षेत्र में जाता है, उस समय जिस तरह का आध्यात्मिक अनुभव होता है उस व्यक्ति को वैसा होता है, क्योंकि वो उसका कर्म है, वो उसका धर्म है, और वो अपने धर्म को मानते हुए उस काम को, किसी के मल को उठाने का काम कर रहा है। तो ये सोच आप देखिए कि किस तरह की सोच है नरेंद्र मोदी की, किस तरह की सोच है योगी की, किस तरह की सोच है गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स में जो उन्होंने लिखा है, और किस तरह की सोच है गांधी की। ये जो सोच है ये जातियों को खत्म करने की बात नहीं करती, ये कहती है कि आप जो हैं जातियों को साथ लेके चलते रहिए और जिसका जो धर्म है, जिसका जो कर्म है, उसको फॉलो करते रहिए। बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, हम जातीय उन्मूलन की बात करेंगे, हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ पर कोई जाति नहीं होगी और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो उसमें इसके प्रावधान भी किए कि किसी के साथ भी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको बराबरी होगी, सबको न्याय मिलेगा, सबको स्वतंत्रता होगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये पक्का किया संविधान में। लेकिन उसके उलट योगी जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई आप नींव हैं और नींव में रहेंगे तो फिर हमारा सवाल तो आएगा कि आप ऊपर वाले फ्लोर पे क्यों रहेंगे, हम बहुत सालों तक सदियों से नींव में रह लिए, लेकिन अब जो हैं हमको टॉप फ्लोर चाहिए, टॉप फ्लोर वो भी वर्किंग लिफ्ट के साथ, उसमें लिफ्ट हो और एक अच्छी सी पार्क व्यू हो, रिवर साइड व्यू हो, अच्छा व्यू हो, उसमें देखने के लिए सारी सुविधाएँ हों, अब हमें टॉप फ्लोर चाहिए, हमें जो है सत्ता के ऊपरी हिस्से पर बैठना है। आप क्यों नहीं बन जाते हैं नींव? मेरा सवाल है योगी आदित्यनाथ से कि नींव बनना, समाज के लिए कुर्बानी देना, समाज के लिए अपने आप को न्योछावर कर देना, हर बार दलित ही क्यों करें? आप क्यों नहीं बन जाते? आप योगी हैं, आप अध्यात्म की बात करते हैं, आप धर्म कर्म की बात करते हैं, तो आप अपने समाज को कहिए कि वो जो है आपका समाज इस इमारत की नींव बन जाए और दलितों को ऊपरी हिस्से पर पहुंचा दे। आपको याद होगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात लिखी एनालिसिस ऑफ कास्ट में अपनी, कि जो हिंदू धर्म है वो दरअसल चार मंजिला इमारत की तरह है, वो चार मंजिला इमारत में एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। बाबा साहब ने लिखा है कि इस इमारत में एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर आप नहीं जा सकते और जो जहां पैदा हुआ है उसको वहीं मरना होगा, यही चतुर्वर्ण है और यही इस इमारत का निचला हिस्सा जो है, जो नींव जिसमें बनाने की बात है वो यहां पर कही जा रही है। आप जाति अपनी नहीं छोड़ सकते, आप धर्म बदल सकते हैं लेकिन जाति परिवर्तन नहीं कर सकते, यही तो खूबसूरती है हिंदू धर्म की। तो इसको आप समझिए कि जो नींव बनाने की बात हो रही है, हमें उस नींव में अभी और नहीं रहना। आप लोगों को मालूम हो या पता नहीं, आपको मालूम है कि नहीं, लेकिन जब राजे रजवाड़े होते थे, खासकर राजस्थान में, गुजरात में जो राजे रजवाड़े होते थे, वहाँ पर दलितों को, जो शूद्र जाति के जो लोग होते थे, उसमें ये मान्यता थी, उस समय के जो ब्राह्मण पुजारी, पंडित पुजारी होते थे, वो इस प्रथा को, इसका प्रचार करते थे कि जब किसी जो महल है या फिर किला है उसका निर्माण होना है तो उसकी नींव में एक जिंदा शूद्र आदमी को गाड़ दिया जाए।
ये बाकायदा इतिहास है, ये बाकायदा इसके बारे में लिखा गया है। त्रिभुवन की एक किताब है शूद्र, उसमें उन्होंने बाकायदा इसका जिक्र किया है कि किस तरह से जब कोई किला बनाया जाता था तो उसमें शूद्रों को जिंदा, एक शूद्र को जिंदा गाड़ दिया जाता था और उसे एक तरीके का शगुन माना जाता था और ये कहा जाता था कि अब जो है सारी बलाएं दब गई, नींव की ईंट में वो चले गए और अब ये किला, ये महल जो है फूलेगा फलेगा, ये इसका मजबूती के साथ ये खड़ा रहेगा, ये ऐसी मान्यता थी। तो सोचिए कितनी क्रूर व्यवस्था थी, कितनी घटिया, कितनी अमानवीय व्यवस्था थी जिसमें एक दलित शूद्र व्यक्ति को जिंदा जमीन में नींव में गाड़ दिया जाता था। वही विचार निकल कर आ रहा है, नींव की ईंट बनाने की कोशिश हो रही है, कहा जा रहा है कि दलित जो है वो नींव की ईंट थे, हम नींव की ईंट हैं, हमने समाज को बनाया है, हमारे लोगों ने कला बनाई, हमारे लोगों ने तमाम तरीके के खेल बनाए, हमारे लोगों ने जो है बहुत सारे आविष्कार किए, बहुत सारी समृद्धि इस देश में लेके आए और आप लोगों ने क्या किया, आप अब नींव की ईंट बन जाइए, अब आप नीचे आइए और ऊपर जाने दीजिए हमको। अब आप कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उसको, उस पर निर्भर है समाज, तो उस समाज के लिए आपने क्या किया, मेरे योगी जी से सवाल है, आपने क्या किया, आपके जो यूपी है उसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध क्यों बढ़ता जा रहा है, दलितों के खिलाफ अपराध सबसे ज़्यादा क्यों बढ़ गया। ताज़ा आंकड़े हैं एनसीआरबी के जिसमें कहा गया कि कोरोना काल में 25% जो क्राइम है, टोटल जो क्राइम हुआ है शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट में, वो यूपी में हुआ, कुल क्राइम का 25%, यानी कि और ज़्यादा बड़ा, कोरोना काल में भी बड़ा 2020 में, वहाँ पर महिलाओं के साथ किस तरह की दरिंदगी होती है वो देखा। आपको याद होगा हाथरस कांड में किस तरह से एक दलित बेटी को आपने, आपकी पुलिस ने पेट्रोल छिड़क कर जला दिया लावारिशों की तरह और उसका एक साल बीत गया, अभी तक उसमें कोई इंसाफ नहीं मिला, किसी को कोई सजा नहीं हुई। तो आप फिर उस नींव कीट के लिए, भलाई के लिए क्या काम कर रहे हैं, आपने उनके लिए क्या काम किया, आपको ये दिखाना चाहिए ना कि मेरी सरकार ने ये काम किया है। या फिर आप पंजाब में जो बसपा और अकाली दल का जो गठबंधन हुआ उससे कांग्रेस भी प्रेशर में आई, उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया, तो अब आप जो है यूपी की सियासत में इस गुणा भाग को करके उसके सियासी मायने निकाल कर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये सवाल उठता है कि आपने उनके लिए क्या किया। हमें तो वो भी याद है जब 2017 में आप मुख्यमंत्री बने थे और कुशीनगर के एक गाँव में जब आप गए थे, दलित बस्ती में दलितों से मिलने गए थे, तो उससे आपके कर्मचारियों ने, आपके लोगों ने दलितों को बाकायदा शैंपू और साबुन बांटे थे और कहा था उन लोगों को, दलितों को, कि नहा लीजिए, धो लीजिए, अपने आप को साफ कर लीजिए, योगी जी से आपको मिलना है। ये हालत है यूपी में आपकी, उस नींव की ईंट की जिसे आप कह रहे हैं कि जिसके ऊपर समाज खड़ा हुआ है। तो ये सवाल आपके ऊपर बनता है योगी जी कि आपने उन लोगों के लिए क्या किया, कौन से बजट एलोकेशन किए, क्यों नहीं आप SC ST OBC की बैकलॉग की भर्तियां कर देते हैं, क्यों नहीं 69,000 जो शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ उसमें ओबीसी के 18,000 पद आपकी सरकार खा गई और जो शेड्यूल कास्ट है उसके करीब करीब 4-5,000 पद आप लोग खा गए, वो क्यों नहीं दे देते हैं उस नींव कीट को, उसको जो है आप कम से कम नींव कीट से निकाल के आप ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे ही ले आइए, उनको हमेशा नींव में दफना देना क्यों चाहते हैं, उनकी तरक्की क्यों नहीं चाह रहे हैं, ये बात बहुत जरूरी हो जाती है। तो यहां पर हमें कुल मिलाकर यह समझने की जरूरत है कि दो, एक विचारधारा है, एक विचारधारा जो है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की है जो एनिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति के खात्मे की बात करती है, वो कहती है कि जातियों को खत्म करना है, और एक विचारधारा है संघी गोलवलकर की, गांधी की, जो वो कहते हैं कि जातीय समरसता बनी रहे, सभी जातियां साथ रहे, सब अपना धर्म पालन करते रहें। और यहां पर भी जो है मुझे किस्सा याद आता है बड़ा ही गांधी को लेकर, क्योंकि आज का वो दिन था जब वो हमारे अधिकारों के खिलाफ अनशन पर बैठ गए थे, उसके लिए बहुजन समाज उन्हें कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने हकमारी की और उनकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। आज जो बहुत सारे लोग हैं वो मान्यवर काशीराम साहब की भाषा में चमचे बना रहे हैं, चमचा युग उनकी किताब में उन्होंने लिखा है, अगर पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार हमारे पास होता तो इस देश की तस्वीर कुछ अलग ही होती और अलग स्थिति में दलित समाज होता, लेकिन गांधी जी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि सब अपने चतुर्वर्ण में जिसकी जो जिम्मेदारी है उसका पालन करें, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ठीक है, आप कहते हैं कि जिसकी जो जाति के हिसाब से, जो वर्ण के हिसाब से जिसको जो कर्म दिया गया है उसका पालन करना चाहिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप जो हैं वो वैश्य कम्युनिटी से आते हैं, बनिया कम्युनिटी से आते हैं और आपका काम जो है वो पूजा पाठ करना नहीं है, तो आप ये धार्मिक सत्संग कीर्तन करते हुए, हेराम करते हुए क्यों घूमते हैं, ये काम तो ब्राह्मणों का है, आपको नहीं करना चाहिए।
और आपका काम व्यापार करना है तो आप फिर बैरिस्ट्री करने जो है विदेश क्यों चले गए, आपने वकालत की पढ़ाई क्यों की, वो आपका काम नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आपके चरित्र में, आपके व्यवहार में वो चीज़ें नहीं हैं जो आप कह रहे हैं, दूसरे लोगों से आप उम्मीद करते हैं कि वो पालन करें लेकिन खुद नहीं कर रहे हैं। तो बाबा साहब ने ये बाकायदा अपने जो अखबार है उसमें लेख लिखा था और उसका जवाब दिया था, वो उनकी राइटिंग में आपको मिल जाएगा। तो ये मानसिकता जातीय उन्मूलन की और जातीय को बनाए रखने की जो विचारधारा है उसके बीच संघर्ष की ये पूरी की पूरी लड़ाई है। ये एक विश्लेषण था आपके लिए जिसमें हम ये कह रहे हैं योगी जी से कि आप अगर अनुसूचित जाति के लिए वाकई में फिक्रमंद है तो उनके लिए कुछ काम कीजिए, उनकी भलाई के लिए काम कीजिए, उनको न्याय दिलाइए, उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम लागू कीजिए, उनको नौकरियां दीजिए, सिर्फ चुनावी हथकंडा मत अपनाइए, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे बहुजन समाज का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी राय भी हमें ज़रूर दें। इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद करी है मेरी सहयोगी अज़रा परवीन। साथियों, मेरा नाम सुमित चौहान है, अपील है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।